दहेज के लोभियों ने उतारे एक और 20 वर्षीय नवविवाहिता को मौत के घाट। थाना पथरा अंतर्गत एक 20 वर्षीय विवाहिता को ससुरालियों द्वारा दहेज के लोभियों ने गले में पट्टा से बांधकर हत्या कर दिया। पिता के तहरीर पर तीन नामजद आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने दो आरोपी नेहा के पति एवं सासू को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जेठानी पुलिस के पंजे से भागने में सफल रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार पथरा थाना क्षेत्र के ग्राम धनकटा केशव प्रसाद चौधरी अपने 20 वर्षीय पुत्री नेहा की शादी एक वर्ष पूर्व पथरा थाना क्षेत्र के ही निवासी राजकुमार पुत्र हरिश्चंद चौधरी ग्राम जोगिया खुर्द के साथ किया था, जिसकी बीती रात 25/5/2019 को नेहा के पति सासू एवं नेहा ने जेठानी ने मिलकर नेहा की हत्या कर दिया और नाटकीय ढंग से मायके वालों को गुमराह करते हुए नेहा को बीमार की सूचना एवं दवा कराने की बात बताई गई। जब नेहा के पिता ने अस्पताल पर पहुंचने क्या नाम है चाचा? केशव प्रसाद। पिताजी का नाम? उदय राज। कौन सा गांव है? धनकटा। थाना कौन सा? पथरा बाजार। क्या मामला है? लड़की को मार डाले। आपकी लड़की का क्या नाम था? लड़की है नेहा। नेहा कितना उम्र होगा? नेहा था 20। कब शादी किया था? 11 मई पिछले 18 में। कहाँ पे किया था? जोगिया बुजुर्ग। किसके साथ? खुर्द। खुर्द। कौन सा थाना है वो? पथरा। पथरा। हाँ। किस लड़के के साथ किया था? राजकुमार उर्फ राजू। उसके पिताजी का क्या नाम है? हरिश्चंद। कैसे मारा है उन्होंने? अब गला दबा के पट्टे से मारा है। आपको कैसे पता चला? अब वो फोन किया कि हम तुम्हारी लड़की बीमार है और जल्दी से हॉस्पिटल आओ, तो हम हॉस्पिटल भागने लगा। उसके बाद उधौली पहुंचे, उधौली से बोला, फिर फोन किए कहाँ पे हो, तो बस्ती पहुंच गया हूँ। बस्ती पहुंचा, बस्ती से फिर फोन किया तो कहा था हम मनोरी चौराहा पहुंच गया। फिर थोड़े गरीब बात कहने उधर ही रुक, मैं भी आ रहा हूँ। नहीं रुका, फिर फोन किया, बोला दसिया पहुँच गया हूँ, तुम घर चले आओ। बस यही बात। तो आपके लड़की को मारने का कारण क्या है? दहेज के लिए। कितना दहेज मांग रहा? अब वो 2-3 लाख मांग रहा था। आपके पास कितनी बेटियां हैं? 3। और आपकी पत्नी? विकलांग। तो किस तरीके से पैसा मांग रहा था वो? वही कि खेत हमको नहीं चाहिए, हमको पैसा दे।